रात का अंधेरा, अंधेरे में पहले अग्नि की गड़गड़ाहट और फिर पृथ्वी की अचूक चाल। जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों, तो सुरक्षा में कोई कोर कसर भला क्यों रह जाए। इसीलिए भारत भी लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत। 1 दिसंबर को उड़ीसा के बालासोर टेस्टिंग रेंज में पहले परमाणु क्षमता युक्त स्वदेशी मिसाइल अग्नि 3 का पहला रात्रि परीक्षण किया गया और फिर 3 दिसंबर को बारी थी पृथ्वी की। उड़ीसा के ही बालासोर में जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी 2 का भी रात्रि परीक्षण किया गया। दोनों ही मिसाइलों ने अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर मानक पर खरी उतरी। तो पहले बात अग्नि 3 की। अग्नि 3 की जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आता है। इसमें हाइब्रिड नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जिसे मिसाइल पर लगा एडवांस कंप्यूटर संचालित करता है। नेविगेशन सिस्टम की वजह से इसका निशाना बेहद सटीक होता है। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ज्यादा कंपन, गर्मी और ध्वनिक प्रभावों को संभालने लायक बनाया गया है। ये 3,500 किलोमीटर तक सटीक निशाना भेज सकती है और अपने साथ 1.5 टन के हथियार ले जा सकती है। वहीं पृथ्वी 2 की बात करें तो अपने साथ ये 500 से 1,000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जा सकती है। इसमें 2 लिक्विड प्रोपोर्शनल इंजन लगे हुए हैं। इस स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल की मारक क्षमता तकरीबन 350 किलोमीटर है। इसमें बेहद ही एडवांस गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, जो लक्ष्य को भेद कर ही दम लेता है। पृथ्वी DRDO द्वारा निर्मित पहली मिसाइल है। रात्रि परीक्षण में सफल होने के बाद अब ये मिसाइल भी हर पैमाने पर खरी है। ये दोनों मिसाइलें न केवल देश में ही निर्मित हैं, बल्कि हमारी सेना की रीढ़ है।